Thank you.
पैदा होनी चाहिए हमारे मंत्र के आगमन के लिए। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि हमारे कुल्लू कार्निवल का रोज का रूटीन रहता है कि आपको हर जिला की एक खूबसूरत से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस दी जाती है, वहाँ के लोक वाद्य यंत्रों से परिचित करवाया जाता है, वहाँ की ताल से परिचित करवाया जाता है। आज इसी कड़ी में बारी थी मंडी की, और अब मंडी के बाद आपको सीधे लेकर चलते हैं बिलासपुर के लोक नृत्य की तरफ। हमारे सामने होने जा रहा है यहाँ पे लोक नृत्य। मंडी के बाद बारी आती है बिलासपुर की, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर ACDC मान्यवर केशव राम जी भी मौजूद हैं। आपका महोदय एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, और इन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर हम अगली परफॉर्मेंस को मंच पर बुलाने जा रहे हैं, जो कि सीधे बिलासपुर से हमारे बीच में यहाँ पर आ रहे हैं, जो लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में बिलासपुर का लोक नृत्य। और इस ग्रुप का नाम है लक्ष्मी डांस ग्रुप फ्रॉम बिलासपुर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेटिंग्स में यहाँ पे जो है वो काफी वक्त लगता है, और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ कि अचल सदन का सभागार अब समय से पहले ही भरने लगा है। आप लोगों को जगह ढूंढने में भी मुश्किल आ रही होगी, और साथ ही आप समझ सकते हैं कि इस सभागार में आप लोगों की भी तादाद को बिठाने में, संभालने में हमारे पुलिस कर्मियों को भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे कुल्लू पुलिस के लिए, जो वाकई हमारे देश में 10 बजे तक जब सब एंजॉय करते हैं, उस वक्त इनके जहन में सिर्फ एक ख्याल रहता है कि कोई भी यहाँ पर असुविधा ना हो, किसी भी तरह का यहाँ पे कार्यक्रम का डेकोरम टूटे नहीं, और इसके लिए हम सदैव इनके धन्यवादी रहेंगे। अभी हमारे बीच में बस थोड़ा सा ही विलंब है, और उसके बाद होगा हमारे बिलासपुर का लोक नृत्य। आप लोगों ने कल कितने लोग आए थे, रिपीट कितने लोग हुए हैं, और कल कितने लोग आए थे, मैं बस देखना चाहती थी कि ऑडियंस कितनी रिपीट हो रही है। अच्छा, सिर्फ आप कितने ही लोग कल के रिपीट हुए, बाकी नए लोग आए हैं? अच्छा, पहली बार कौन आया कार्निवल में, फर्स्ट टाइम? अच्छा, आप पहली बार आए हैं, पक्की बात है या फिर ऐसे बोल रहे हैं? मुझे पक्की बात। देखो, कंट्रोल रूम वाला भाई कह रहा है मैं पहली बार आया हूँ। भाई, अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है? भाई, आप मजाक करेंगे तो हमारा क्या होगा? एक बार कंट्रोल रूम में जो भाई बैठे हैं हमारे, इनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जितनी भी लाइट्स के साथ खेल होता है वो यही करते हैं, और आप लोग हमारे, देखिए ये देखिए यहाँ पे, एक बार एक भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगे। ये ना हो तो हमारी तो आवाज ही आप तक नहीं पहुंचे, और एक ऑपरेटर हमारे बिहाइंड द कैमरा ही रहते हैं, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तो जी, बिलासपुर से कलाकार आ गए हैं, अब बिल्कुल भी देर नहीं करते, और हमारे सामने बिलासपुर का लोक नृत्य लेकर आ रहा है लोक नृत्य लक्ष्मी डांस ग्रुप। अच्छा, मेरे ये पूछने का मतलब इसलिए था कि आप लोगों में से कितने लोग आज दोबारा आए हैं, कल कहाँ का लोक नृत्य हुआ था, थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो जाए, कहाँ का लोक नृत्य हुआ था, और उससे पिछले दिन कहाँ का हुआ था? क्या बात है, जिन्होंने चंबा बोला अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो, कमाल की मेमोरी है आपकी। बिल्कुल, आपने यहाँ पर देखा हमारे कुल्लू का लोक नृत्य, चंबा का लोक नृत्य, लाहौर का लोक नृत्य, और इसी कड़ी में आज बारी है बिलासपुर के लोक नृत्य की। आज आपको लेकर चलते हैं लोअर हिमाचल की ओर, और अब मैं अपना कॉर्ड लिस्ट भी यहाँ पे सिंगर को देना चाहूंगी। यहाँ पे लक्ष्मी डांस ग्रुप हमारे सामने लेकर आ रहा है लोक नृत्य बिलासपुर से। Thank you.
Oh,
Come on.
चलिए भाई कमाल की कलाकारा हो गया, चली जाना बस यादा रह जाने हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, इतनी जोर से तो तालियां होनी चाहिए कि ग्लास भी बेहद कमाल। और अब झूमते झुमाते आपको बहुत हमने नचा तो दिया, पर हंसने के लिए कितने लोग तैयार हैं भाई? तैयार है? देखिए जब पहला नाटक यहाँ पर हुआ था उस नाटक में आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, पर इस नाटक में आपके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है क्योंकि उसके मंचन का तरीका कुछ अलग था और इसके मंचन का तरीका कुछ अलग है। ये आपको गुदगुदाने के लिए है और आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति की बहुत पुरानी विधा है ये, शिमला सोलन सिरमौर जैसे जिलों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध।